चलिए दोस्तों, मैं आज की इस वीडियोज़ में आपको ऑनलाइन गैस कनेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद उसका पेमेंट ऑनलाइन कैसे करते हैं उसके बारे में माहिती दे रहा हूँ। तो आपको एचपी गैस कनेक्शन ऑनलाइन गूगल पे लिखिए तो आपको अप्लाई एचपी गैस कनेक्शन ऑनलाइन नज़र आएगा। उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, नेम वाइज लोकेशन वाइज। आप लोकेशन वाइज नेम अगर पता है तो आप नेम पे क्लिक कीजिए, नेम पता नहीं है तो आप लोकेशन वाइज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करना रहेगा। चलिए मैं आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके स्टेट गुजरात, डिस्ट्रिक्ट तो हम डिस्ट्रिक्ट में हम अहमदाबाद सिलेक्ट कर दें और सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर में हम सबसे पहले आशीर्वाद गैस सर्विस को सिलेक्ट करते हैं तो पूरा लोकेशन आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म के अंदर वन बाय वन ब्लैंक फिलअप करते जाइए। फर्स्ट में क्लिक करेंगे और फिर सेकंड में अगर आपका करंट एड्रेस और आधार में दिया गया एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको आधार नंबर के सामने ब्लैंक के अंदर आपको आधार नंबर ऐड करना है और नीचे कैप्चर कोड दिया हुआ है वो इस ब्लैंक में ऐड करना है। और उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपको मिलेगा और एक ब्लैंक मिलेगी, उसके अंदर आप ओटीपी डालेंगे तो आपका आधार वेरीफाई होगा। उसके बाद आपको फुल नेम में फर्स्ट नेम दिया गया है, इसके अंदर आपको अपना नाम ऐड करना है और यहाँ पर आपको अपना मिडल नाम यानी फादर नेम ऐड करना है और यहाँ पे आपको लास्ट नेम यानी आपका सरनेम ऐड करना है और इस ब्लैंक में आपको डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो हाउस, बिल्डिंग नंबर और स्ट्रीट नेम और इस तरीके से सिटी, टाउन और डिस्ट्रिक्ट आपको ऐड करनी है। ये पूरा एड्रेस ऐड करने के बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट फाइल पे आ जाइए। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, अगर आप सब्सिडी लेना नहीं चाहते तो आप यस पर क्लिक कीजिए और लेना चाहते हैं तो नो पर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स देखिए अपोजिट है, आप ज़रा भी कंफ्यूज ना होइए। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी और सबमिट हो जाएगी और अगर नो पर क्लिक करेंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी। अब यहाँ पे इस कॉलम में आपको आधार नंबर ऐड करना है और उसके बाद सीधा आपको ये पूरे कॉलम छोड़ करके सीधे नीचे आ जाना है, एलपीजी कनेक्शन डिटेल। एलपीजी कनेक्शन डिटेल में देखिए 14.2 केजी का चाहिए तो वो और 5 केजी का चाहिए तो आप, मुझे ये चाहिए इसलिए मैंने 14.2 केजी ऐड किया है। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में से ये प्रूफ है आइडेंटिटी में, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, पान कार्ड है, वोटर आईडी है और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इश्यूड आईडी कार्ड है और इस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस है। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं उसको आधार कार्ड को टिक करता हूँ। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस में चेंज करना, आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वो एड्रेस इन प्रूफ में से किस प्रूफ में है तो उस प्रूफ का आपको सिलेक्ट करना है। सपोज़ मेरे पास पासपोर्ट है तो मैं पासपोर्ट को क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर पासपोर्ट की आई डी इस कॉलम में आपको एंटर करनी है। उसके बाद आपको ये तीन फाइल दिखाई देगी, देखिए आपको कोई भी फाइल यहाँ पे आधार यूआईडी इस फाइल को सिलेक्ट करना है। चलिए उसको सिलेक्ट कर दें, मेरे पास आधार है तो मैंने उसको सिलेक्ट किया। देखिए अपलोड फाइल सक्सेसफुली बता रहा है। अब सेकंड है पासपोर्ट, लेकिन आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि जो भी फाइल आपको अपलोड करनी है वो मैक्सिमम 300 KB होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ना होनी चाहिए। और आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी ऐड करना है, वो मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर लेना है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट पर यहाँ पे क्लिक करना है और सबमिट पे आप करेंगे तो आपकी ऑनलाइन गैस कनेक्शन सबमिट हो जाएगी फाइल। अब आप उसके बाद आपको एक रेफरेंस आईडी डिस्प्ले होगी आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में और ये रेफरेंस आईडी आपको अपनी स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट करके रख लेना है। उसके बाद ये
डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको अपने रिलेटेड गैस एजेंसी में जाकर के सबमिट करवाना है। जब वो डॉक्यूमेंट लेंगे और आप रेफरेंस आईडी देंगे तो रेफरेंस आईडी के अकॉर्डिंग वो अपने कंप्यूटर और पीसी में आपकी फ़ाइल ओपन करेंगे और आपका फिलअप किया हुआ पूरा फॉर्म वहाँ पे उनको मिलेगा, उसमें वो एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद आपके मोबाइल या आपके रेफरेंस आईडी के ज़रिए से आपको अपनी अप्लाई की हुई अपॉइंटमेंट ट्रैक करनी है। तो एचपी गैस एजेंसी की वेबसाइट पे आकर के फिर से आप घर आकर के अपनी फाइल को ट्रैक कीजिए। अपनी अपॉइंटमेंट ट्रैक करेंगे तो उस वक्त जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके बाद आपके रेफरेंस आईडी के हिसाब से जब आप ट्रैक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, आपकी पूरी फिलअप की हुई फाइल और दो ऑप्शन ऑफलाइन ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा। आफ्टर दिन आपको फ्रेंड उसके बाद आपको ऑफलाइन पेमेंट करना हो तो ऑफलाइन पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज़ ऑनलाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप ऑफलाइन करें क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट ऑलवेज पेंडिंग ही रहता है और पेंडिंग में फिर 2 डेज़ 5 डेज़ निकल जाते हैं। तो कम से कम 7 वर्किंग डेज़ में या तो आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा या गैस एजेंसी के अकाउंट में चला जाता है और फिर उसमें डिस्कस बहुत सारी होती है, इसलिए मेरा कहना माने तो आप उसको ऑफलाइन ही कीजिए। और उसमें इसके बाद आपको नीचे 2 बर्नर 3 बर्नर्स आपको कौन सा स्टोव लेना है, जो स्टोव लेना है वो आप क्लिक करके पेमेंट कर लीजिए। और उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक फाइल डिस्प्ले होगी अपने मोबाइल में, इसमें लिखा हुआ होगा डाउनलोड ESV, यानी ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। आपने जो पेमेंट किया है उस पेमेंट का ये एविडेंस है, आप उसको डाउनलोड करेंगे तो PDF की शक्ल में आपके मोबाइल में आ जाएगा। उसके बाद आपको उसको प्रिंट आउट करके एज ए एविडेंस आप गैस एजेंसी के पास ले जा करके प्रूफ करके आप अपना कनेक्शन और बोतल ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।